अरे जब तू जेल से आता है, जब पटाखों से प्रदूषण नहीं बढ़ता, अरे आज अगर जनता के आस्था का विषय है, एक त्योहार का विषय है, तो तेरा प्रदूषण शुरू हो जाता है। क्यों बंद कर दिया है जबरदस्ती? भाई तुम जब अभी जब जेल से आए थे, जब तो तुमने बड़े पटाखे फोड़े थे भाई, हिंदू विरोध तो साफ ही नजर आ रहा है। क्यों यहाँ पटाखे बैन हो जाते, ईद पे कोई सवाल नहीं उठता? जब भी हिंदुओं की कोई आस्था का विषय होता है या कोई भी तीज त्योहार आता है हिंदुओं का, तो इनके पेट में दर्द नहीं सिर दर्द हो जाता है। देखो जी, पटाखे तो पहले बैन थे, इसने कोई एहसान तो किया नहीं, ये तो सिर्फ दिल्ली की जनता को भ्रमित कर रहा है, गुमराह कर रहा है। जनता समझदार है, सही कह रहे हैं बाबू जी, कि ये कह रहे हैं कि सब नेता एक से होते हैं, मोदी भी ऐसा ही, केजरीवाल भी ऐसे ही। क्या मोदी जी की जहाँ सरकारें हैं वहाँ क्या पटाखे बैन हुए? वहाँ क्या कोई ईद को बैन किया गया? क्यों यहाँ पटाखे बैन हो जाते, ईद पे कोई सवाल नहीं उठता? क्योंकि केजरीवाल एक इख्तियार पार्टी का सदस्य है, तो वो पटाखे बैन नहीं करेगा तो क्या करेगा? और मैं तो ये कहूँगा कि दिल्ली के अंदर पटाखे बैन हो ही नहीं सकते, मैं दावा करता हूँ इस चीज़ का। दिल्ली के अंदर पटाखे इसलिए बैन नहीं हो सकते, जो दिल्ली के आज मुख्यमंत्री है वर्तमान में, तो वो खुद एक पटाखा है जिसका नाम आतिशी, तो आतिशी का अर्थ बम पटाखा ही होता है, तो यहाँ बैन है ही नहीं। यहाँ तो चल रहा है मुख्यमंत्री पद उसका, जब एक मुख्यमंत्री का नाम ही पटाखा हो तो वो बैन नहीं हो सकता, तो एक आम जनता का कैसे? फिर दूसरी बात, जब भी हिंदुओं की कोई आस्था का विषय होता है या कोई भी तीज त्यौहार आता है हिंदुओं का, तो इनके पेट में दर्द नहीं सिर दर्द हो जाता है, क्योंकि ये हिंदुओं की खुशियों से नाराज़ होते हैं, क्योंकि ये अपने आकाओं को खुश करना है इनको। लेकिन इन लोगों के दिमाग में ये है कि इस देश को, इस राज्य को, इस प्रदेश को एक आतंकवाद चलाता है या गुंडे चलाते हैं। इसको गुंडे नहीं चलाते, ना इस देश को आतंकवाद चलाता, इस देश को राष्ट्रभक्त चलाता है, सनातनी चलाता है, और यहाँ का ईमानदार प्रधानमंत्री चलाता है। मैं क्यों कह रहा हूँ इस चीज़ को, जिन लोगों के दिमाग में इस तरीके की भावना होती है ना, कि एक का त्यौहार आए तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं, दूसरे का आए तो उस पर बैन लगा दो। अरे जब तू जेल से आता है, जब पटाखों से प्रदूषण नहीं बढ़ता, अरे आज अगर जनता के आस्था का विषय है, एक त्यौहार का विषय है, तो तेरा प्रदूषण शुरू हो जाता है। तो तेरा प्रदूषण ऐसा ख़त्म होगा इस देश के अंदर से, इस दिल्ली के अंदर से, कि तेरा आने वाला जीवन सारा का सारा सेंट्रल जेल में कर। सर क्या नाम है? मेरा नाम दिलीप। दिलीप जी ये बताइए, अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने पटाखों को बैन कर दिया है 1 जनवरी तक। क्यों बंद कर दिया है जबरदस्ती? भाई तुम जब अभी जब जेल से आए थे, जब तो तुमने बड़े पटाखे फोड़े थे, और जब आतिशी मुख्यमंत्री बनी थी तब बड़े आतिशबाजी करी थी, है ना? अब दिल्ली नहीं, पूरे भारत का त्यौहार एक ही सबसे बड़ा त्यौहार है भारत का, दिवाली। बाकी त्यौहार भी हैं, मगर भारत का सबसे बड़ा त्यौहार है ये, और सबसे बड़ा पर्व है। इसके ऊपर पटाखे बैन लगाना दिल्ली में बहुत गलत बात है ये केजरीवाल की और केजरीवाल की सरकार। चलो केजरीवाल तो है नहीं मुख्यमंत्री, आतिशी लेते रात का उस दिन एक पटाखा ही होता आसमान में, वो क्या बोलते हैं, अमावस की रात होती है तो उजाले के लिए पटाखे छोड़े जाते हैं, लाइटें लगाई ज़्यादा अगर तो पटाखे छोड़ते हैं। ये गलत किया है इन्होंने। क्या लगता है सर, आम आदमी पार्टी जो है वो हिंदू विरोधी पार्टी है क्या, क्योंकि इसी तरीके से लगातार सोशल मीडिया पर सवाल तो है भाई। हमारे क्या नाम दिल्ली के अंदर हिंदू मंदिर में ही दे देता, 100 करोड़ बक वोट को दिया, किसी हिंदू मंदिर में भी दे देता, क्यों नहीं दिया भाई? हिंदू विरोधी तो साफ ही नज़र आ रहा है, हमारे पंडितों की सैलरी बढ़ा देता, जो अपने इनकी मौलाओं की सैलरी बढ़ा दी। तो आपको क्या लगता है कि एक साल में प्रदूषण कम करने के लिए आम आदमी पार्टी ने कितना काम किया है, जो आज प्रदूषण की याद आ रही है कि पटाखे ना फोड़े जाएं, क्योंकि दिल्ली में जो है वो प्रदूषण ये जो है ना जनता का ध्यान भटकाने के लिए मीडिया पे दूसरी बात आया है, जो पिछली बातें दब जाए, जैसे बरसात के अंदर लोग बरसात में दिल्ली में पानी भर गया, गाड़ियाँ डूब गई, लोग बच्चे मर गए, लोग करंट से मर गए, दिल्ली का कूड़े का ढेर बना हुआ है। तो ये जो है ना ये इतना सातिर है, ये राजनीतिक ट्रेंड चलता रहता है। हाँ सर, जिस तरीके की अब बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से सामने आ रही हैं, क्या विधानसभा में आम आदमी पार्टी पर भरोसा करेगी? देखो अभी हरियाणा में चुनाव है, वहाँ पे आम आदमी को एक भी सीट नहीं मिली, 1% भी वोट नहीं मिला। अब वो जो कह रहा था कि आंधी आएगी, तूफान आएगा, जलजला आएगा, अब ये जलजला जो है ना भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा से बहता हुआ दिल्ली की ओर आ रहा है। दिल्ली के अंदर जो है ना जमुना भी साफ़ हो जाएगी, दिल्ली का कूड़ा भी साफ़ हो जाएगा, और दिल्ली का जल वोट भी साफ़ हो जाएगा, दिल्ली का पानी भी साफ़ हो जाएगा। ये जलजला जो है ना भारतीय जनता पार्टी हरियाणा से बहता हुआ दिल्ली की तरफ आ रहा है।
पानी हरियाणा से आता ना, तो हरियाणा के पानी के साथ जाता है भारतीय जनता पार्टी का जलजला दिल्ली की ओर आ रहा है। और सब जो है ना, ये आम आदमी पार्टी का जितना भी भ्रष्टाचार का जो 10 साल का शासन रहा है, 9.5 साल का, ये सब बहा के ले जाएगा भारतीय जनता पार्टी का शासन। हाँ, क्या लगता है जिस तरीके से पटाखों को बैन कर दिया गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा, सरकार के द्वारा, तो दिल्ली वाले इसे किस तरीके से? देखो जी, पटाखे तो पहले बैन थे, इसने कोई एहसान तो किया नहीं, ये तो सिर्फ दिल्ली की जनता को भ्रमित कर रहा है, गुमराह कर रहा है। इसने थोड़ी बैन किए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल उसने पहले से करे हुए हैं, और ग्रीन, इवन ग्रीन जो फायर क्रैकर्स है ना, ग्रीन जो पोल्यूशन है उसको भी बैन किया हुआ है। तो ये तो ऐसे ही लोगों को वो बुराया। और जो अगर मेरे को बताओ, अगर पटाखे बैन करना कोई बुरी बात है, मेरे हिसाब से तो कोई बुरी बात नहीं है। देखो जिस तरह से पोल्यूशन होता है, अभी भी देख लो, ये सिर्फ है ना इसीलिए किया है क्योंकि दिल्ली का जो इंडेक्स है एटमोसफेयर का, वो 200 में आ गया, पुअर कैटेगरी में आ गया। पहले मॉडरेट में चल रहा था, अब 200 से ऊपर चला गया। तो उसको आने से वो कह रहा है जी बैन कुछ नहीं है, ये अगर बैन करना है तो इसके जो भगवंत सिंह मान, जो इसका जो कठपुतली सरकार है पंजाब में, वहाँ जो परालियाँ जल रही है उसको बैन करें। अभी देख लो, अभी तो अक्टूबर है, कम से कम 200 से ऊपर पराली जल चुकी है। पिछले साल 36,000 पराली जली थी, और इस साल पता नहीं क्या जलेगी, कितनी, नवंबर तक बिल्कुल मैस हो जाएगा। अब तो बस ये है कि अब ये क्या कह रहे हैं कि हम है ना, कहते हैं हम आर्टिफिशियल बारिश करेंगे, हम जो है ना वो सिल्वर आयोडाइड छोड़ के ना, अब ये बहाना लगा रहा है। गोपाल रे जो है, जो वो कहता है कि मुझे है ना अभी तक जवाब नहीं आया, मैंने लेटर दिया LG को, कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन इसे ये पूछो कि इतना पैसा खर्च करेगा सिर्फ, जबकि दिल्ली जैसे माहौल में जहाँ की 2 करोड़ जनसंख्या है, वो एप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ ये है कि अगर इसने करना ही है ना, मेरे को बताओ, अगर कुछ काम करना है जो जनता को, जो अगर आप मुंडका से जाओ क्या नाम टीकरी बॉर्डर तक, वहाँ इतना मैसा, इतना पानी, 10-10 फुट की ड्रेन है, वो ओवरफ्लो कर रही है, पूरा गंद मचा हुआ है। जनकपुरी जो पोश एरिया है, वहाँ कूड़े का ढेर लगा हुआ है। कोटला मुबारकपुर चले जाओ, जो साउथ एक्स के साथ पड़ता है, पानी हो रहा है, बिल्कुल ओवरफ्लो, सारा जो मतलब कीचड़ है सब बाहर आ रहा है। और मुंडका के अंदर तो मैं कह रहा हूँ, ट्रैफिक जो है ना, अगर चला जाएगा ना टीकरी बॉर्डर तक जाना, 1.5 से 2 घंटे ट्रैफिक में फंसा रहेगा, जबकि 1.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है। और हर काम करना है वहाँ करें, ये तो ऐसे गुमराह कर रहा है जी, मैं पटाखे बैन कर दिए, ये तो पहले ही बैन है। और दिल्ली की जनता इतनी समझदार हो चुकी है, वो भी पटाखे कम से कम छोड़ती है, सिर्फ पूजा के आसपास जो है ना पूजा करती है जो, तो इसको वो करना चाहिए। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी आना चाहिए? बीजेपी क्यों? नेचुरल चॉइस, सबसे बेस्ट चॉइस, उसके अलावा तो बाकी सब तो बिल्कुल ही बना रहे थे सालों से। आम आदमी पार्टी के बारे में क्या विचार है? भाई ने जो विचार रखे एग्जैक्टली डिटो वही के वही विचार है, 1% भी 200 करोड़ का डिफरेंस ना, ये एक मेन फैक्टर है। 100%